सबसे पहले कमेंट में ये बताओ कि किस किस को मेरी बर्थडे याद है, क्योंकि आज है जी मेरी बर्थडे, तो बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू फाहर ब्रदर। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे फाहर भाई। फाहर भाई आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। एक पंजाबी का शेर के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गला खराब हुआ ना, तेरे बाल खींच देने। चलो पियो आराम से। सर्दी लग रही है ना। थैंक यू तेरा मना फुली रिकमेंडेड है, आप भी टेस्ट करिए फुत्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक कर दो, व्लॉग का एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फाहिर निसार और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टॉयलेट के ऊपर डेली व्लॉग। तो सबसे पहले कमेंट में ये बताओ कि किस किस को मेरी बर्थडे याद है, क्योंकि आज है जी मेरी बर्थडे, तो बहुत ज्यादा आज फन होने वाला है, मजा होने वाला है। तो आज का व्लॉग होगा मेरी बर्थडे के ऊपर। आपको बल्कि एक चीज भी दिखाता हूँ कि यार ये देखो, रात को जनाब मेरी जो सी फैमिली है ना, उन्होंने मुझे इतना अच्छा 12 बजे पूरे 12 बजे विश किया। साथ यहाँ पर हमने केक शेक भी उन्होंने कटवाया था, और मेरे 2-3 जन से जिन्होंने गिफ्ट देने थे उन्होंने गिफ्ट भी दे दिया, बाकी आज देंगे। और बाकी ये बलून शलून लगाए यार, कि मैं रात को बड़ा कसम से खुशी हुई दिल को कि यार इन्होंने याद रखा हुआ था, और कितना मैं एट दी मूवमेंट एक मिनट भी नहीं लेट किया, और कितना मैं 12 बजे ठक आकर मुझे विश कर दिया। बाकी यार है आज के व्लॉग के अंदर बहुत ज़्यादा फन और मस्ती होने वाली है, और जो जो मुझे विश करेंगे उसका भी मैं कितना मैं क्लिप यूज़ करूँगा व्लॉग के अंदर। तो कितना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, व्लॉग का एंड तक देखें। अच्छा जी, तो मैं चला गया था बाजार, और बाजार से भी आ चुका मैं वापस, तो भी हो चुका है नाश्ते का वक्त। और नाश्ते में हाजी आज आलू का पराठा और ऊपर मज़ेदार था ढेर सारा मक्खन। वीडियो के चक्कर में जनाब मेरा मक्खन पिघल गया था, तो अभी चलते हैं और जाके नाश्ता करते हैं। आप तब तक उन लोगों की वीडियो देखें जिन्होंने अभी तक मुझे विश किया है, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं नाश्ते करने के बाद। हैप्पी बर्थडे बॉस, हैप्पी बर्थडे टू यू फाहर ब्रदर। इधर चाइना से आपको जो है ढेरों सारा खुशियाँ, प्यार, बर्थडे विशेस। केक है नहीं, वरना आपको केक के साथ हो रहे अंडे साथ हो रहे नील भी लगाते तो शायद बर्थडे का ज्यादा मजा आता। साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बर्थडे की विशेस, ठीक है। मेरी तरफ से अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ठीक है, और अपना ख्याल रखो। इधर चाइना से मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, अपना ख्याल रखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फाहर निसार डार साहब, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आप आवाज़ से पहचान लेंगे यार मेरी तबीयत बड़ी सख्त खराब थी और मैं आपको विश नहीं कर सका, माजरत। बाकी जनाब इसका जो भी हमियाजा कहेंगे भुगतने का वो भुगतेंगे इंशाल्लाह। और बाकी ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। ब्रदर क्या हाल है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, मलेशिया से मैं आपको विश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, जी हज़ारों साल हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा खुश रखे आपको, ठीक है। बकाया माजरे डार जी, विश के लिए लेट के लिए काम पे अभी बैठा हूँ मैं भाई को, मैंने कहा स्पेशल विश करूँ। बकाया अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, जी हज़ारों साल। अस्सलाम वालेकुम, आज हम अपने प्यारे दोस्त फाहिर भाई को विश करते हैं। आज 18 अक्टूबर है, आज उनकी सालगिरह का दिन है, तो हम फाहिर भाई को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे फाहिर भाई। अल्लाह आपको कामयाब करे और ढेर सारी खुशियां दे, इसके साथ साथ आप हमें जल्दी जल्दी से ट्रीट भी दें। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली। फाहिर भाई आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, और दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी सेहत वाली और लंबी करे, और आपको ढेरों खुशियाँ अल्लाह दे आपकी ज़िंदगी में। और आप व्लॉगिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप डेली व्लॉगिंग भी करते हैं, विलेज वगैरह को भी डिस्कवर करते हैं, बहुत अच्छी काविश है आपकी, आप लगे रहें, अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ दिल नज़ाकत, और आज की स्पेशली वीडियो बड़े ही प्यारे भाई फहर डार साहब फ्राम लाला मुस्सा, उनकी हैप्पी बर्थडे है मेरी तरफ से, उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। एक पंजाबी का शेर के बंदे सोने ढेर जहान ते हो सन, तेरा चन लश्कार ही हो रे, ते जदों लटक के टुरना बाहां दा हुंदा सजन हुलाड़ ही हो रे, ते जदों हस पैने तेरे बुल्लां ते हुंदा सजन नज़ारा ही हो रे, तेरे कहन ते शाह झुकवेंदे ने मेरे सजन दा सितारा ही हो रे। मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भाई को मजीद कामयाब करे। अच्छा जी, मुझे तो मैंने सीधे करके बिठा लिया क्योंकि पागलों वाली हरकतें करने लग जाते। हाँ जी, तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे हो? हैप्पी बर्थडे तो हुई हो। हाँ, तो मेरी चेयर पे क्यों बैठे हो? हैप्पी बर्थडे तो बोल दिया तुमने।
बेटा रात से जिस चीज के ऊपर तुम्हारी नजर है ना, मुझे पता है। देखा इसकी नजर है जी इसके ऊपर। जी जो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे दोस्त क्या बोल रहे थे? आपको विश करना, विश करना। किधर है वो सारे? नहीं जाने। चल पूछ ले अगर विश करना तो, फिर आ जाए अभी मैं फ्री हूँ। अच्छा तो वो ना यार मुझे का कोई दोस्त ना जो उनसे गली के बच्चे हैं नहीं आए, जो उनसे 14 अगस्त पे भी दिखाए थे, और वैसे भी मुझे जो उनसे सपोर्ट करते हैं वो ब्लॉग देखते हैं मेरा डेली, तो वो कह रहे थे हमने विश करना तो हमने आना, तो मैं कहा चलो सही है आ जाना। तब तक यार मैं नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, तो तब तक वो भी आ जाएंगे, तो फिर उनकी वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। तो क्या नाम, बच्चे आ चुके हैं यहाँ पर विश करने में, तो इनसे बात करते हैं। हेलो, अच्छा क्या विश करने आए हो, बोलो तो सही ना कुछ। थैंक यू। बस बस ठीक है, बाकी आपके लिए ना हमने एक इनाम रखा हुआ, लेकिन वो आपको एक दो दिन तक मिलेगा, ठीक है ना? आपके लिए हम चीज ले आएंगे। नहीं नहीं वो अभी नहीं, वो एक दो दिन तक है ना, कल वो कल या परसों के नाम है ना, आपको सब में हमको चीज बांटेंगे, ठीक है? बाकी थैंक यू आपका विश करने के लिए, आने के लिए। बाकी और भी थे मुझे बच्चे, वो किधर है जो दूसरे हैं? कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ सो गए? तो मुंह से बोलना। बाकी ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। चल ठीक है, बाकी शुक्रिया शुक्रिया सबका, आपने लिए अपने लिए क्लैपिंग कर दो बस एक बार। थैंक यू। अच्छा तो यार बच्चों ने भी काफी ज्यादा मजे का डिश कर दिया, अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। इतनी जल्दी मेरे बगैर बुला, छोटिया मारता फिर इधर आ। अच्छा जी तो अभी हम जा रहे हैं मुहित भाव और मैं एक घर वालों के लिए सब्जी लेने, तो हम आज सब्जी खाएंगे, तो अभी चलते हैं जाके सब्जी लेके आते हैं, क्योंकि आज हमने घर में कुछ भी नहीं बनवाया, हमने कहा सारा बाइक से आएगा। बर्गर किसने बनाना है? बर्गर हमने कहा कल बनाएंगे, बर्गर का भी प्लान था, लेकिन मैंने खुद ही बोल दिया कि बर्गर नहीं बन रहे, क्योंकि सिर्फ सब्जी काफी होगी और बाकी दूसरी चीजें जो आइसक्रीम वगैरह या स्वीट में जो भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेख साहब, ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह पाक का, आप सुनाए ठीक? फिट फाट जनाब, ये हमारे शेख साहब हैं, इनके पास हम जनाब सब्जी लेने आए हैं। तो ये जनाब चुप चुप, और सिर्फ ₹1200 में है ये सब्जी, और इसका 1.25 किलो वेट होता है। अच्छा, इस तरह का नायाब जायका आपको हमारे इस टाउन में नहीं मिलेगा। दैट इज़ अ वेरी ह्यूज टेस्ट, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। हाँ जी, इनकी तरह की सब्जी ना पूरे लाले मुँह से मैं कोई नहीं बनाता, इनके देखें एक खोल के बनाते हैं सब्जी को, दूसरे जनाब पूरी सीख के ऊपर बनाते हैं, उसका टेस्ट ना वो अंदर से कच्ची कच्ची होती है, लेकिन ये अंदर अगर पकी होती है। ये सामने अब्दुल्ला हॉस्पिटल है, इसके अपोजिट साइड पे ना ये बनाते हैं, तो इनके पास जरूर ट्राई करें, हम आगे भी खाते हैं और हम आज भी इनके पास ही आए हैं। शेर साहब जरा लेवल करके बनाते हैं। इसका मसाला जो है बड़ी मेहनत से तैयार होता है, ठीक है, ये आम मसाला नहीं है, और अंदर तक जो ना रचा हुआ है, इसकी खसूसियत ये है, ये देखा आपने, इसके हमने ये हर चीज़ यहाँ पे ना ओपन की हुई है, इसके घुटने में ब्लड जो है वो साफ हो जाता है। अच्छा, अंदर तक पकवाई होती है, ठीक है? सही है, मेरे तो अभी मुंह में पानी आ गया, तो जल्दी जल्दी ना बना दो बस, ताकि उसके बाद फिर 10 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगी। अच्छा मोहित भाई आपने क्या छोड़ दिया? यार इन्हें बोतल दे दो, इन्हें खप पाइए, घंटा हो गया, इन्हें ज़रा लेमन सोडा दे दो, लेकिन तुमने कहा जाकर खाना ना खाया, तेरा लेमन सोडा आ गया, अब तुमने शोर नहीं करना। भूखा भी तुझे बनाई तो है, सब्जी बना रहे हैं, सब्जी नहीं खानी? नहीं खाऊंगा। तो फिर वेट करो, अब गला खराब हुआ ना, तेरे बाल खींच देने हैं, चलो पियो आराम से। सर्दी लग रही है ना अब? तो भाई बुखा रहे हैं, हम आराम से बैठे हुए हम तो। नहीं बेटा, ये जो सी लेमन पीजिए ना, ये उसकी वजह से ये आपका हाल है। चलो सब्र करो। बाबा वो नहीं है, बाबा ये है, बोलो बाबा वाले, बाबे को बुलाओ पे। बनाने आती है, जला ना देना। ये जी वेखियो तू, ये बड़ा शेफ जी। चलो रहन दो रहन दो, राम से राम से। चलो बात छोड़ दो, हो गया पक गई है।
मुझे पकड़ लोगे? ध्यान से। ओके शेर साहब, फिर लाफिज। जब हम सज्जी लेके घर पहुंचे तो जनाब हमने देखा कि मखंडी हलवा भी जनाब घर वालों ने तैयार कर लिया हुआ है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि स्वीट डिश में फिर इसे चलाते हैं। क्यों जी? खाना खाने के बाद बारी आ चुकी थी गिफ्ट ओपन करने की, तो गिफ्ट के अंदर थी जनाब एक स्वेट शर्ट और साथ जनाब एक अनस्टिच सूट था। इसके साथ साथ मेरी क्रिकेट के लिए किट भी थी जो कि मैंने ऑर्डर कर दी थी और वो कल पहुंचने वाली थी, और कुछ कैश गिफ्ट थे जो कि मैंने फिर दिखाना मुनासिब नहीं समझा और मैंने पॉकेट में रख लिया। और ये मंगते दोस्त जो उनसे ट्रीट ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें ट्रीट जरूर मिलेगी, थोड़ा सा सब्र करो। एट दी एंड जी जनाब हम फ्री हो चुके हैं यार, ये सामने को कुत्ता ना जोंसा, उसे जरा सी भी बाहर जाने तो बोंगे लग जाते। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो खाना यार बहुत ही ज्यादा मजे का था, मैंने फुली रिकमेंडेड है, आप भी टेस्ट करिए कुत्ता। अच्छा जो आज के ब्लॉग को कर रहे हैं हम ये फ्रेंड, और उन सबका शुक्रिया दिल से जिन्होंने मुझे विश किया, स्पेशली उनका उनका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया ना जिन्होंने वीडियो बना के भेजी है, उनकी वीडियो भी मैंने ब्लॉग में यूज़ की है, तो बाकी शुक्रिया होगा सबका। और आज के ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर एंड, बर्थडे हो गया हमारी खत्म, तो आज के ब्लॉग को करें हम यहीं पर एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिस चीज़ ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।